अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो अजीत टीवी ते मैं नायब सिंह सिद्धू। अज पहुंचे असीं बठिंडा दे बेअंत नगर विखे, जिथे कि पिछले दिनी मोहल्ला क्लीनिक दा उद्घाटन किया गया सीगा अते इह जिहड़ा पहला हस्पताल सीगा ते उस नूं रिवल्ट करके इह जिहड़ा मोहल्ला क्लीनिक बनाया गया सीगा। अते ये दस दिए कि इत्थे जिहड़ा चोरां वल्लों लगातार इस नूं निशाना बनाया जा रहा है। इत्थे तीजे वारी चोरी हो चुकी हैगी। तुहानूं दिखा दईए कि ये मोहल्ला क्लीनिक जिहड़ा बनाया गया ये पहला हस्पताल सीगा ते हस्पताल तो मोहल्ला क्लीनिक बनाया गया सी, पर इस दी कि जिहड़ी रंग रोगन जरूर कर दिता गया है पर ये कोई रेनोवेशन नहीं की गई, क्योंकि ये जोड़े बैक साइड के दरवाजे है जो होर है वो बिल्कुल खुले है और चोर बैक साइड की आते हैं इतों चोरी करके लै जाते हैं। सोनू दिखा देंगे कि जोड़े फिंगर प्रिंट है टीम वो भी पहुंची हुई है तो उन्होंने वालों भी अपना काम किया जा रहा है। इस तो पहला भी दो बारी चोरी हो चुकी हैगी तो लगातार यह चोर इसनों अपना निशाना बना रहे हैं। इतों जोड़े पखे है कंप्यूटर है तो होर भी समान है जोड़ा वो चोरी हो चुका है। इस तो पहला जोड़े चोरी हुई सी इतों तक कि उन्होंने वालों जोड़िया बिजली दीयां तारां सी पाइपां तारां सीगियां वो भी कढ़ के लै गए सन। हुण जोड़े इतों कंप्यूटर पखे अते होर भी काफ़ी समान है जोड़ा वो चोर लै गए गए तो उन्होंने वालों इसनों लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तीजी वारी ये जोड़ा इस हस्पताल नूं निशाना बनाया गया, पर पंजाब सरकार की जा कह लिए सेहत विभाग की इन्नी नलायकी है कि इत्थे हजे तक कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई रात नूं इत्थे ड्यूटी देने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि 9 बजे यह हस्पताल खुलदा गा अते 5 बजे नूं ये बंद हो जाता। उस तो बाद कोई भी इत्थे नहीं हुंदा ते इतों तक कि इत्थे जिहड़े कोई नौजवान नशा करदे आ वो इतों इस ऑटो सेंटर चों दवाइयां लैन भी आते हैं। जो दवाइयां लेके जाते वो सारे इतने निगाह मार जाते हैं कितना तो जिन्हों ने यह कारा करना होंगे गा वो अपना पहला दिन ही देख जाते। तो जो ये हस्पताल बंद होंगे है क्योंकि इतने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे गा, कोई इतने जोड़ा सेवादार नहीं गा जां कोई इतने ड्यूटी देने वाला नहीं, रात को भी कोई होवे ते वो अपना बड़े सौखे तरीके इसनों अंजाम देंगे कि इतों जोड़ा कोई समान होंगे है। इतों तक कि पिछले वारी तो जिहड़ियां नशे दीयां दवाइयां सीगियां कोई वो भी इतों लै गए सन। इस बार जिहड़ा दस दिए कि पखे कंप्यूटर अते होर भी काफ़ी समान जिहड़ा चोरी हो चुका है तो लगातार तीजे वारी इसनूं निशाना बनाया जा चुका है। पंजाब सरकार वालों होर तो खर्चे किए जा रहे हैं पर इन्हां वास्ते कोई सिक्योरिटी गार्ड का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा। सर की नाम है? मैं डॉक्टर रमनदीप सिंगला, BMC बठिंडा नोडल अफसर आम आदमी क्लीनिक। इत्थे ना ही मैनूं सवेरे फोन आया सीगा बई कोई चोरी हो गई राती, उहदे विच काफ़ी इन्हां ने समान इधर उधर कर लिया, पक्खे उतार ले, इस पीसी भी लै गए, उहदा मतलब सारा समान नाल प्रिंटर वगैरह कर्टन टूटियां ते जिहड़ी सीलिंग है रूफ सीलिंग वो भी काफ़ी नुकसान किया। लगातार चोरी हो रही है, तीजी बार चोरी हो गई जी। कोई इत्थे चौकीदार जां किसी नहीं चौकीदार इत्थे अजे कोई प्रोविजन है नहीं है। असी शुक्रवार भी मैं आया सीगा उदों पहला एसी चोरी होया सीगा तां उदों प्रोविजन ये कीती सी गई सी कि भी दरवाजे जिहड़े पक्के तौर ते बंद कर दित्ते जाण, उहदे लई ओह इक इट्टां भी सारियां हटा दित्तियां गईयां सी, प्रोसैस जारी सी। पर हुण कल रात जिहड़ी है वड्डी चोरां ने अंजाम दित्ता ते हुण देखदे आं आपां इहदे विच की कर सकदे। 5-6 पक्खे हैगे आ जी, पीसी है ओट क्लीनिक दा ते टूटियां कुंडे ताले पक्के ही शीशे उतारे मेहनत ही है जी। लगातार चोरियां हो रही हैं तो तुसीं कोई लिख के नहीं भेजा गया? लिख के भेज दिता जी, दरखास्त भेज दी गई, उच्च अधिकारियों नूं सूचित कर दिता गया, उन्हां दे जो भी सानूं दिशा निर्देश दिते जाणगे उन्हां दी कार्रवाई कीती जावेगी। सर की कहना चाहोगे जिहड़ी चोरी होई है? तो बेनेबस्ती में जो डिस्पेंसरी है जी इत्थे चोरी हुई है, जिस दे संबंध में लिस्ट बना रहा कि समान गया। कुछ मुढ़ली तफ्तीश तो मुढ़ली देखने तो जो लगता कुछ पक्खे एक प्रिंटर इदा के कुछ समान चोरी होया, कुछ पढ़ते आ जी वो असी वेरीफाई कर रहे हैं। परचा दर्ज करके असी कोशिश करांगे जल्द तो जल्द चोर फड़ लीए समान रिकवर कर लिता जाए। लगातार चोरी हो रही है, तीजी बार चोरी हुई है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ AjitWebTv ਲਈ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।